शराब मिल रही है बिहार में, बना है दारू, शराब मिल रही है, बिल्कुल मिल रही है, मिल रही है, बहुत मिलता है, गली गली में मिल रहा है शराब, हम लोग गली गाँव में मिलता है, गली में भी बिकता है, मिलता है, मिलता है बिहार में शराब। हाँ मिला है, महाबलीपुर से आये, बिहार में बना है दारू। बिहार में शराबबंदी कानून को नीतीश कुमार या उनकी सरकार भले ही सफल नहीं करवा पा रही हो, लेकिन बिहार में शराबबंदी कानून को सफल बनाने की जिम्मेदारी अब इन महिलाओं ने उठा ली है। इन महिलाओं को देखिए, इन महिलाओं ने राजधानी पटना में चेतावनी सभा आयोजित की है और इस चेतावनी सभा में बिहार के कोने कोने से महिला पहुंची हैं और अपनी आवाज़ को बुलंद कर रही हैं और कई बैनर पोस्टर इनके हाथों में है। देखिए इनके हाथों में जो है कई बैनर हैं, बैनर पे साफ तौर पे देखिए क्या लिखा है, पीटती पत्नी बिकते जेवर, छोर शराबी ऐसे तेवर। देखिए इसमें लिखा है, जन जन तक यह संदेश पहुंचाना है, शराब को हाथ भी नहीं लगाना है। पीछे भी लिखा है, अब महिलाएं जोश में आओ शराबी होश में। तो तरह तरह के स्लोगन के साथ ये महिला राजधानी पटना पहुंची है। देखिए, देश को बचाना है, नशे को बंद करना है। यहाँ देखिए, नशा है धीमा जहर जो छीने लेता है प्राण। आ इधर देखिए लिखा है, नशे से दोस्ती जीवन से मुक्ति। उधर भी देखिए, एक पल का नशा जीवन भर सजा की सजा। जो करे दारू का कारोबार, उठाइए उठाइए उसे, उठाइए पोस्टर, उठाइए पोस्टर, उठाइए सिर्फ। देखिए लिखा है, जो करे दारू का कारोबार उसको मारो जूता चार, अब शराब नहीं पीऊंगा पूरा जीवन जीऊंगा, करता है जनघन की हानि, नशा है एक महामारी। देखिए इस तरह की कई स्लोगन के साथ ये तमाम महिलाएं राज्य के कोने कोने से राजधानी पटना पहुंची है चेतावनी सभा आयोजित करने, और आज इनकी सभा आयोजित हुई है राजधानी पटना में और यह सभा बिहार में शराबबंदी कानून को सफल बनाने की मुहिम को लेकर इन्होंने आयोजित की है। और देखिए राजधानी पटना के इस जगह पर ये तमाम महिला उपस्थित हैं और हाथों में स्लोगन है, अपनी आवाज़ को बुलंद कर रही हैं। कहाँ से पहुँची हैं? बेटा से। बेटा से गांधी में। बिहार में शराबबंदी सफल है? सफल करना है। करना है। हाँ शराब मिलता है, लगता है आपको शराब? हाँ बहुत मिलता है, बहुत मुसारी बनाता है शराब, बहुत बनता है। क्या क्या कहना चाह रही हैं बताइए? शराब जो लुक छिप के कारोबार करने वाले और बनाने वाले वैसी लोगों को हम लोग को बंद करना है, पूर्णतः बंद करना है। नीतीश कुमार जी ने बहुत पहले ही बंद कर चुके हैं कि शराब बिहार में कोई नहीं पिएगा, लेकिन फिर भी लोग जो धंधा करने वाले हैं इसके, जो बनाने वाले हैं, वो लोग किसी ने चोरी छिपे बनाते हैं, उसको हम लोग को बंद करना है। तो आप लोग को लगता है कि बिहार में शराब मिल रहा है? मिल रहा है, अभी मिल रहा है, अभी मिल रहा है, गली गली में मिल रहा है। क्या बोले? गली गली में मिल रहा है शराब हम लोग हैं। कहाँ मिल रहा है जगह? मखदुमपुर कन्यौरी पंचायत, गली गली में। तो आप लोग की मुहिम है कि शराब नहीं मिलनी चाहिए? हाँ नहीं मिलनी चाहिए, बार दिन कमाते हैं, पति स्थान का आकर पी लेते हैं, बाल बच्चा को भी पढ़ाने लिखाने के लिए नहीं देते हैं। बोले थे आपका बोले मैडम, बोलने दीजिए ना इनको। भर दिन कमाते हैं, ईटा पटल धो के आते हैं, सांझ के दारू पी लेते हैं, गली गाँव में मिलता है, गली में भी बिकता है, आप पी लेते हैं गाँव में। आप लोग चाहती है कि बिहार में शराबबंदी हो जाए? हाँ बंद हो गए दारू। बोलिए क्या बोलना चाहते हैं? हम लोग ये बोलना चाहते हैं कि शराब बंद तो हमारी नीति सरकार ने कर ही चुकी है, लेकिन फिर भी चोरी छिपे जो इसके कारोबार करने वाले हैं, बनाने वाले हैं, वो उन लोग को बिल्कुल हम लोग चाहते हैं कि बंद हो जाए, ताकि पी करके ना कोई महिला घर में मार खाए, गाली सुने। देखिए तो इन महिलाओं का कहना है कि बिहार में चोरी छिपे शराब मिलती है और इसी चोरी छिपे शराब मिलने की घटना को ये लोग बंद करना चाहती हैं और इसी को लेकर ये सभा आयोजित की गई है। ये जग जाहिर है कि बिहार में शराब मिल रहा है, शराबबंदी है लेकिन शराब मिलता है और इसी कारण इन महिलाओं का कहना है कि शराबबंदी जरूरी है और इस मुहिम को सफल बनाने के लिए हम लोग राजधानी पटना पहुंचे हैं और नीतीश कुमार की आवाज़ को बुलंद करने के लिए इस सभा का आयोजन किए हैं। मुख्यमंत्री जी की जो सोच है, कहाँ से आई है?
पालीगंज से। बिहार में शराब मिलता है या नहीं? मिलता है, मिलता है बिहार में शराब। तो आप लोग चाहते हैं कि बंद हो जाए? बंद हो जाए, हम लोग चाहते हैं कि बंद हो जाए। क्या लगता है, शराब मिलता है बिहार में? हाँ मिला है, महाबलीपुर से आ ली, मिला है। बंद होना चाहिए, एकदम बंद हो जाना है, एकदम बंद होना चाहिए। चाची जरूर बंद होना चाहिए, बिहार ने बना है दारू, लेकिन मिलता तो है, जरूर मिले है। दारू तो इतना ही मिलता है कि एकदम पी कर बर्बाद हो गया लोग, जनता एकदम दारू बंद करवा दीजिए। मिलता है, एकदम मिलता है, दारू मिलता है। तो देखिए, इन तमाम महिलाओं का कहना है कि शराब मिलता है, दारू मिलता है बिहार में, और ये लोग चाहती हैं कि बिहार में शराब नहीं मिले, बिहार में कानून व्यवस्था ऐसी हो कि बिहार में शराब बंद हो जाए। बिहार में शराब मिलता है? देखिए, जो भी घटनाएं हो रही हैं, कहीं ना कहीं ऐसा हो रहा है, जो सरकार ने, बिहार सरकार ने जो ऐतिहासिक निर्णय लिया शराबबंदी का, वो महिलाओं के लिए, समाज के लिए एक संजीवनी था, लेकिन ऐसा असामाजिक तत्वों ने उस मंशा को, समाज सुधार के, महिलाओं के उत्थान के लिए जो बीड़ा उठाया, इतना साहसिक कदम उठाया, उसको धूमिल करने के लिए जो असामाजिक तत्व हैं, जो शराबबंदी का, शराब का अवैध धंधा कर रहे हैं, और आए दिन समाज में ऐसी घटना हो रही है, अप्रिय घटना, मृत्यु हो रही है, बलात्कार हो रहा है, महिलाओं के प्रति हिंसा हो रही है, हम लोग उसके खिलाफ यहाँ आज हैं और रहेंगे। बहुत सारे ऐसे समाज सुधार के बैनर हैं। आप लोग ये मान रही है कि बिहार में शराबबंदी कानून के बावजूद शराब मिल रही है? बिल्कुल मिल रही है, मिल रही है, तभी तो घटना हो रही है, लोग मर रहे हैं। चाहते हैं कि बिहार में शराबबंदी कानून सफल हो? बिल्कुल हो, हम लोग उसी के लिए यहाँ बैठे हुए हैं, और हम लोग को जो करना होगा वो करेंगे। और हमारी, आपके चैनल के माध्यम से, एक और जो दूसरा ऐतिहासिक निर्णय उन्होंने लिया, अमरेंद्र सिंह भट्टी साहब को बिहार का डीजीपी बनाया, हमें बहुत उनसे आशा है कि अब वो जरूर ऐसा है कुछ करेंगे जिससे जितने कारोबारी हैं, अवैध कारोबारी, उन सब की खटिया खड़ी हो जाएगी, और उनका एक लाइन जो हम महिलाओं के अंदर एक बहुत उम्मीद जगाता है, कि उन्होंने अपने ही पुलिस विभाग से कहा है कि अपराधियों को दौड़ाओ, अगर तुम नहीं दौड़ाओगे तो वो तुम्हें दौड़ाएंगे, और ये एक लाइन उनका, हमें इतना अच्छा लगा, हमारे अंदर इतना संतोष और इतनी सुरक्षा के भाव पैदा किए हैं, वो विफल नहीं होना चाहिए, हम उनके साथ हैं। जी, बिहार में शराबबंदी कानून के बावजूद शराब मिल रही है, इस बात से आप पक्ष में हैं या विपक्ष? शराब मिल रही है, गैर कानूनी धंधे तो लोग, हर तरह का धंधा होता है गैर कानूनी, उसमें एक शराब भी है जिसे गैर कानूनी धंधा में लोग लिप्त हैं। आप लोग अब मुहिम चला रही है कि शराब नहीं मिले? हाँ बिल्कुल, हम महिलाओं के वजह से ही, हमारे माननीय मुख्यमंत्री ने इतना बड़ा निर्णय लिया था, शराबबंदी का निर्णय उन्होंने लिया, जिसको हम पूरे बिहार की आधी आबादी उसे काफी स्वागत करते हैं, और हम लोग हमेशा शराब बंदी के सपोर्ट में हैं। जी, तो देखिए, तमाम महिलाओं का यही कहना है कि बिहार में शराबबंदी कानून तो है, लेकिन शराब मिल रही है, जगह जगह शराब मिलता है, हर गली में शराब मिलता है, हर चौराहे पर शराब मिलता है, तमाम तरह की नशीली दवाएं जो मिलती हैं उसका सेवन किया जाता है, जहां शराब नहीं मिलता है वहां। और इसी मुहिम को सफल करने के लिए, मतलब शराबबंदी कानून को सफल करने के लिए, देखिए ये तमाम महिला राजधानी पटना पहुंची हैं, और यहां पर इनकी चेतावनी सभा है। देखिए, राजधानी पटना में इनकी चेतावनी सभा है, और आज ये महिला अपनी चेतावनी सभा में पहुंची हैं, और सिर्फ एक ही इनकी मंशा है कि बिहार में शराबबंदी कानून सफल हो। मुख्यमंत्री की जो योजना है शराबबंदी कानून, उसे सफल बनाने में इन महिलाओं ने आज चेतावनी सभा आयोजित की, और इनका मानना है, इनका वादा है कि ये मुहिम चलाएंगी और बिहार को शराब मुक्त करेंगी। विश्वजीत आनंद, फर्स्ट बिहार, पटना।